माननीय आशुतोष सिन्हा जी, माननीय 1999 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार में आई, भारतीय जनता पार्टी, तो जब केंद्र सरकार में आई तब से शिक्षा जो गरीब का बच्चा पढ़ता है वो गांवों में इसी में प्राथमिक विद्यालयों में ही पढ़ता है। प्राथमिक विद्यालयों में ताले लटक गए। जब ताले लटक गए तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने तय किया कि 65% केंद्र देगा, 35% राज्य देगा और एक शिक्षा मित्र उन्होंने बनाने का काम किया। और वास्तव में गरीब गांव में जो गरीब का बच्चा पढ़ता है, गरीब मजदूर किसान के बच्चों को पढ़ाने के लिए गांवों के जो प्राथमिक विद्यालय थे उसके लटके तालों को और किसी ने खोलने का काम किया था तो वो शिक्षा मित्र थे। और शिक्षा मित्रों ने जब शुरुआत की तो 2250 रुपए से शुरुआत उनकी हुई और आज इतने महंगाई के जमाने में भी आज मात्र 10,000 रुपए में वो काम कर रहे हैं, वो भी मात्र 11 महीने के लिए कर रहे हैं। तो आज वास्तव में जैसा हमारे साथी कह रहे थे, आज कुशल श्रमिक से भी कम पैसे में शिक्षा मित्र शिक्षा देने का काम कर रहा है। और शिक्षा मित्र से शिक्षा देने का काम नहीं कर रहा, शिक्षा मित्रों से जनगणना, बाल गणना, मध्यान्ह भोजन से लेकर हर काम शिक्षा मित्रों से लिया जा रहा है, लेकिन उनके दुख के में कोई मरहम लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है। मैं आपसे बड़े विनम्रता से बताना चाहता हूं माननीय सभापति जी, 2017 में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में ये बात कही कि अगर उच्चतम न्यायालय से भी अगर इनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके साथ खड़ी है। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी उनको न्याय नहीं मिल पाएगा या लगेगा कि उनके पक्ष में निर्णय नहीं आया है तो ये अध्यादेश लाएंगे, अध्यादेश लाकर इनको नियमित करने का काम करेंगे। लेकिन आप उसके बाद 2017 से लेकर 2022 का भी चुनाव हो गया लेकिन शिक्षा मित्रों के दर्द में मरहम लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है। आप यही हमारे सदन में पूर्व